हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक और ट्रीट। मेरा नाम है रजनी और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और क्यूट बेंटो बॉक्स या लंच बॉक्स केक। इसे आप आसानी से घर पर बनाकर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में नमक डालेंगे। इस नमक को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब हम हाफ कप या 80 ग्राम्स केक प्रीमिक्स लेंगे। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1/3 कप पानी डालते हुए एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे और इसमें 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा केक बैटर तैयार है। अब हम 4 इंच का केक टिन लेंगे और उसमें फूड रैपिंग पेपर लगाकर उसे ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और इसमें केक बैटर पोर कर देंगे। अब हमारी कढ़ाई भी हीट हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई में रखकर 20 to 25 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हमारा केक स्पॉन्ज रेडी है। अब हम केक के लिए क्रीम रेडी करेंगे। अब हम एक कंटेनर में 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसे डबल होने तक या स्टिफ पीक आने तक बीट कर लेंगे। हाफ क्रीम में हम 1 ड्रॉप वॉयलेट कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम केक की आइसिंग करना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज की टॉप लेयर को अलग निकाल देंगे और इसे 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। अब हम केक की फर्स्ट लेयर पर 3 to 4 स्पून शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे और इस पर व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करते हुए इसकी सेकेंड लेयर को इसके ऊपर अरेंज कर देंगे और इस पर भी शुगर सिरप स्प्रेड करते हुए कलर्ड व्हिप्ड क्रीम अच्छी तरह स्प्रेड करके इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम बेंटो बॉक्स के साइज का फूड रैपिंग पेपर कट कर लेंगे। बेंटो बॉक्स आपको किसी भी केक मटेरियल शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब आधा घंटा हो चुका है, हम केक की फाइनल आइसिंग कर लेंगे और जो हमने फूड रैपिंग पेपर कट किया था उस पर इसे अरेंज कर लेंगे। अब हम एक स्टार नोजल की हेल्प से केक के ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ हार्ट शेप्स के स्प्रिंकलर हैं, उन्हें भी मैं इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। और अब हम इस केक को अपने बॉक्स में अरेंज कर लेंगे। हमारा क्यूट सा लंच बॉक्स केक बनकर तैयार है। आप किसी भी ओकेजन या फेस्टिवल पर इसे अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए।